मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वहीं किसान एक बड़ा वोट बैंक होने के कारण जून में किसान महासम्मेलन का आयोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। इस दौरान वे किसानों के खाते में फसल बीमा के 3,000 करोड़ रुपए अंतरित करने की शुरुआत भी करेंगे। जून में किसान महासम्मेलन होने वाला है, जिसके चलते पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी किसानों के खाते में फसल बीमा के 3,000 करोड़ रुपए अंतरित करने की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में किसान एक बड़ा वोट बैंक है, जिस कारण 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसानों को 2 लाख रुपए की कर्ज माफी का वचन दिया था, जिसके चलते कांग्रेसियों को किसानों का समर्थन प्राप्त हुआ था। कांग्रेसियों ने 230 सदस्यीय विधानसभा में 114 सीटें जीती थी। इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। वहीं शिवराज सरकार ने हाल ही में 11.9 लाख किसानों की 2,123 करोड़ रुपए की ब्याज माफी देने का निर्णय लिया है। वहीं ब्याज माफी के कदम के बाद किसानों को जून से सहकारी समितियों से खाद बीज मिलने लगेगा, जो अपात्र होने के कारण बंद हो गया था। इसी तरह राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ भी 15 लाख से अधिक किसानों को देने जा रही है। कुछ अन्य योजनाओं की घोषणा की भी तैयारी है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।